पंजाब के फगवाड़ा में पिछले दिनों हुई हिंसक घटना को लेकर पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ऐसा है कि जो मोदी जी की शानदार परफॉर्मेंस रही है देश में, चार साल का स्वर्णिम ये जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का काल रहा जिसमें हर वर्ग को लाभ मिला है, तो कांग्रेस पार्टी हाशिया पे आ गई। आप देखिए कि सबसे पहले जो इन्होंने देशवासी का हाल किया था, जो भ्रष्टाचार का तांडव किया था देश में, और 12 लाख करोड़ के केस जो है भ्रष्टाचार के इन पे चले, तो देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को। ये हाशिए पे आ गए, विपक्षी पार्टी होने का दायित्व भी नहीं पा सके, संख्या नहीं मिली। तो उसके बाद निरंतर देखिए, गुड गवर्नेंस के बाद इनका ये आज लुप्त हो रहे हैं। 11 चुनाव कांग्रेस लगातार हार चुकी है 4 वर्ष में, और हमारी 20 प्रदेशों में हमें सेवा मिली, हमारी सरकारें चल रही है, ये अधिकतम संख्या है। तो आज सही मायने में जो महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया कि हम नहीं कह रहे, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को अब ख़त्म करना चाहिए। शायद कहीं नज़र आ रहा होगा कि ये क्या करेंगे, तो आपने देखा लंबे शासन में इन्होंने देश का क्या हाल किया। अब फिर वही एक जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, और कांग्रेस वाले हमेशा ही अंग्रेज़ों को फॉलो करते रहे शुरू से, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने हमेशा गरीब जनता जो है उसको हमेशा शोषित किया, उनको ना शिक्षा लेने दी, ना उनको आत्मनिर्भर होने दिया, चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे गरीब जनता हो, हमेशा उनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया। इनको पता था अगर हम इनको शिक्षित करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे, तो ये लॉजिक